केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में त्वरित कार्य बल यानी RAF के 27वें स्थापना दिवस में हिस्सा लिया। अमित शाह परेड में शामिल हुए और निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया और कहा कि जो जवान अपनी जान जोखिम में डालकर शहीद होते हैं उनके लिए सरकार काम कर रही है। उन जवान जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी उनको भी पदक देने का काम किया, मगर मैं मानता हूँ ये सभी जवान जो 35,000 के करीब जवान शहीद हुए हैं, सभी का सच्चा सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 और 35A को हटाकर कश्मीर में एक परमानेंट शांति, निरंतर शांति की शुरुआत कर दी। अमित शाह ने ये भी कहा साथ में कि 35,000 जवानों का सच्चा सम्मान हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 को हटाकर सभी का सम्मान किया है ताकि कश्मीर में हमारे जवानों के शहीद होने की बारी न आए। 70 साल में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। 70 साल से इसके तरफ ना किसी का साहस होता था, ना किसी की हिम्मत होती थी, ना किसी का ध्यान। इस बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, एक मजबूत मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बनाया और उसके पहले ही सत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 और 35A को निरस्त करकर कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत। गौरतलब है कि अमित शाह लगातार अनुच्छेद 370 पर संबोधन कर रहे हैं और हर बार उनकी नीति आक्रामक ही रही है। कश्मीर और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीर अब विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा, कश्मीर अब शांति के रास्ते पर चल पड़ेगा और कश्मीर को डिस्टर्ब करने की जिसकी भी नियत है उसको हमारे सुरक्षा बल ढंग से उसका जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, गुजरात तक।